ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक व्यूअर का हमें फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि मेरा 5,000 रुपये का चलान मेरी गाड़ी का सिर्फ इसलिए राजस्थान के अंदर हो गया क्योंकि मेरी गाड़ी के पिछली साइड नेशनल परमिट नहीं लिखा था। उन्होंने हमें चलान की कॉपी भी भेजी और साथ में ये भी कहा कि इस मंदी के दौर में इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा चलान नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि गाड़ी के पीछे नेशनल परमिट लिखा होना चाहिए। उनका कहना था, उन्होंने फोटोग्राफ्स भी भेजी और दिखाया कि उनकी गाड़ी की बाईं और दाईं ओर दोनों तरफ AIP यानी ऑल इंडिया परमिट लिखा हुआ है और बावजूद इसके मेरा चलान कर दिया गया। तो उनका कहना था कि क्या मैं गलत हूँ, क्या ये चलान सही हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी दी जाए। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसके लिए जो सही नियम वो है क्या। मेरे हाथ में इस समय द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 की कॉपी है। ये जो गाड़ी के ऊपर नेशनल परमिट लिखना है या ऑल इंडिया परमिट लिखना है इसको लेकर जो नियम है वो है रूल नंबर 90। और इसमें जो बदलाव हुए हैं वो 2 नवंबर 2018 को इसके अंदर बदलाव हुए थे। तो आज हम बात करेंगे कि जो अभी करंट जो प्रावधान है वो क्या है। इसके अंतर्गत अगर आप देखें पॉइंट नंबर 1, द वर्ड्स नेशनल परमिट और NP शैल बी इंस्क्राइब्ड इन द फ्रंट एंड रियर ऑफ द व्हीकल्स इन बोल्ड लेटर्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रक है और नेशनल परमिट है तो आपको गाड़ी के फ्रंट में और रियर में, आगे और पीछे क्या लिखना है, नेशनल परमिट, या फिर लिखें NP, और ये बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखना है, बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। अब बाई या दाई की तो बात ही नहीं की गई है। जैसे हमारे व्यूअर ने बताया कि मेरा लेफ्ट और राइट साइड लिखा है, उसकी यहाँ बात ही नहीं है, फ्रंट और बैक पे लिखना है। और इसके साथ में आप ये भी ध्यान में रखिए, इन केस ऑफ ट्रेलर्स द वर्ड NP शुड बी इंस्क्राइब्ड ऑन द रियर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ट्रेलर है, ठीक है, तो ट्रेलर पे कहाँ लिखेंगे आप NP, उसके अंदर, उसके पीछे और उसकी बाईं ओर, लेफ्ट साइड, दो जगह ट्रेलर पर लिखना है, पीछे और लेफ्ट साइड में। आपको ये नियम और आसान भाषा में समझाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी हमने यहाँ पर मंगवाई है। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये एक सिंगल बॉडी ट्रक है तो आपको कहाँ पर लिखना है, तो उसमें आपको फ्रंट पर यहाँ पर या तो शीशे पे आप लिखेंगे नेशनल परमिट या NP लिखेंगे, या फिर इसकी शो पे के ऊपर लिखेंगे, या और दूसरा इसके पीछे बैक साइड पर आप लिखेंगे नेशनल परमिट या NP। और अगर आपकी गाड़ी ट्रैक्टर ट्रेलर है, यानी कि ट्रेलर वाली अगर आपकी गाड़ी है, तो उसमें आप तीन जगह पर लिखेंगे। सामने फ्रंट पर आप लिखेंगे नेशनल परमिट या NP, और उसकी पीछे रियर पे लिखेंगे आप NP, और उसकी बाईं और लेफ्ट साइड पर भी लिखेंगे NP। तो तीन जगह हो गया ट्रैक्टर ट्रेलर के केस में। और अगर ट्रक है आपका, सिंगल बॉडी ट्रक है, तो उसके फ्रंट और बैक पर नेशनल परमिट या NP। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये नियम अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। साथ में एक चीज़ और भी बता दें कि जो ट्रक होते हैं डेंजरस और हैजर्डस गुड्स, जो खतरनाक आइटम लेके चलते हैं, जैसे केमिकल हो गया, गैस हो गया, टैंकर्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, तो उसमें जो करंट जो प्रावधान है उसके अंदर ये है कि उसका जो पूरा पेंट है वो वाइट कलर का पेंट होना चाहिए उसको, और उसकी लेफ्ट राइट, बाएं दाएं और पीछे तीनों जगह आपको क्या लिखना है, क्लास ऑफ गुड्स के इसके अंदर है क्या, गैस है, केमिकल है, वो आपको स्पेसिफाई करना होगा लेफ्ट राइट और बैक पे। और जो हमारे व्यूअर ने शुरू में बात की कि छोटी सी बात पे मेरा 5,000 का चलान हो गया, तो हम उनको बता दें कि आप इस बात में लकी हैं कि आपका सिर्फ 5,000 का चलान हुआ है, क्योंकि जो करंट प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जो अभी नई अमेंडमेंट हुई है, उसके हिसाब से 192A के तहत पहले ऑफेंस पर 10,000 रुपये का जुर्माना है या 6 महीने तक की सजा, और दूसरी बार ऐसा करने पर 10,000 का जुर्माना और कम से कम 6 महीने की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सजा हो सकती है। सिर्फ आप अगर इसको नहीं मानेंगे, नेशनल परमिट NP जो भी हमने आपको भी बताया उसका पालन नहीं करेंगे, तो 5,000 का चलान सिर्फ इसलिए हुआ है, एक तो शायद इस लागू होने के पहले 1 सितंबर से पहले ये चलान हुआ है, और दूसरा राजस्थान में अभी तक जो नई अमेंडमेंट्स हैं उनको राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया है, नहीं तो ये 10,000 रुपये का चलान आपका होता।
इस बात से हम सहमत हैं कि इस छोटी सी बात के ऊपर इतने बड़े चलान नहीं होने चाहिए, लेकिन वो एक अलग विषय है। आज का टॉपिक यही था कि नेशनल परमिट आपको लिखना है या नहीं लिखना है, लिखना है तो कहाँ पर लिखना है और कैसे लिखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।